हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक स्टूडियो। मैं इमामुल हुसैन और मैं आज का वीडियो में ये लेके आया कि रेडमी 4A का पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करते हैं, उसको हार्ड रीसेट करके। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, आप रेडी कर लीजिए। एक लैपटॉप चाहिए और एक डाटा केबल जो आपका रेडमी मोबाइल के साथ ही मिला होगा शायद, वो रेडमी मोबाइल का या फिर कोई भी डाटा केबल हो जो अच्छा हो, डाटा केबल चाहिए। और क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करना होगा जिसमें आपका लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या फिर आप सॉफ्टवेयर कहीं भी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज़ चाहिए, आपका मोबाइल जो पैटर्न लॉक हो गया है। तो बाहर कोई दुकान में आप 200-300 रुपये दे, इससे बेटर है कि आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, घर पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में सब्सक्राइबर अभी कम है बहुत, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चाहते हैं कि मेरा वीडियोस अच्छा लगता है आप लोगों को और भी वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ, नया नया वीडियो आप लोगों को मिले, तो उसके लिए ऊपर दिए गए बेल आइकन जो है उसमें क्लिक कर लीजिए। मेरा जितना भी नोटिफिकेशन होगा नए वीडियोस का तो आप लोगों को मिलेगा। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करता हूँ कि रेडमी 4A कैसे पैटर्न लॉक अनलॉक करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा रेडमी नोट 4A है और इसका पैटर्न लॉक हो गया है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं रेडमी नोट 4A, तो इसका पैटर्न लॉक आज हम लोग रिमूव करेंगे। इसका सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल्स बता दूंगी, इसका जो सीएम या मेमोरी है उसको निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बाद में बता दूँ। देखिए मेरा प्रॉब्लम तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको जितना बड़ी पैटर्न मानता हूँ इसको टाइम दिखाता है, जैसे कि पहले 10 मिनट, 20 मिनट, फिर बाद में 100 मिनट पार हो गया। तो इसको कैसे क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, आपको जो मोबाइल है रेडमी है इसको स्विच ऑफ कर लेना है। ठीक, पावर ऑफ। देखिए पावर ऑफ हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है क्या, पावर बटन और आप वॉल्यूम अप की, ये वॉल्यूम अप की, ये दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, पावर बटन वॉल्यूम अप की। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ। अभी देखिए ऑप्शन आया। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। देखिए आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे सारा है, तो ब्लू मून है, इसमें क्लिक करना है। देखिए राइट साइड का नीचे वाला, ओके, सो क्लिक करते ही इस इंग्लिश का आ जाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है रिकवरी में। आप देखिए ये अभी आया क्या यूएसबी लगाने के लिए। तो देखिए मेरे पास ये लैपटॉप, आपको एक लैपटॉप और एक यूएसबी चाहिए होगा, जैसे सिंपल यूएसबी जो आप लोग चार्ज में चार्ज करते हैं मोबाइल, मोबाइल चार्जिंग का यूएसबी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जो है मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और क्या क्या करना है मैं आपको उसका डिटेल्स भी बता दूंगा। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको उसको कैसे यूज करते हैं उसका सही प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखा रहा हूँ। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे हमें ब्राउजर में जाना है। हम लोग मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ।
तो ये हो गया। और उसके बाद का जो आपको क्या करना है, आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करना है अभी, तो सॉफ्टवेयर्स का जो लिंक से मैं डायरेक्ट आप लोगों को सेंड कर दूंगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो इसको मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो पेस्ट हो गया है, अभी इसको मैं सर्च करूँगा। आपको करना है जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा वो आप सिर्फ बस उसको पेस्ट कर दीजिए अपने यूआरएल में और उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा एक टॉपअप खुल जाएगा, तो इस टॉपअप को कुछ करना नहीं करना है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है आप जो भी देख सकते हैं नहीं भी देख सकते, लेकिन उसको क्या करना है आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये वाला आ जाएगा, तो ये देखिए सेव, इसको आप सेव कर लीजिए, या फिर विंडोज 8 से डिफॉल्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे बेस्ट है कि आप इसको सेव कर लीजिए, सेव करके ओके मार दीजिए। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुका हूँ, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसको डाउनलोड नहीं करूँगा। तो जहाँ पे आप डाउनलोड कर ली कर कर चुके हैं, तो वहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ और उसको इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो सॉरी, हम अब इसको क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ MI फ्लैश। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए ओपन करके, इसको सिंपली ओपन कीजिए और ऐसा आ जाएगा। ये विंडर फाइल में खुलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विंडर फाइल कैसे क्या करता है, तो मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा आपको विंडर फाइल कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको दिखाऊंगा, तो सबसे पहले आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपको इस ड्राइवर को क्लिक करना है, और ये जो पासवर्ड, यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो इस पासवर्ड को भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस यहाँ का जो पासवर्ड होता है वो है www.99mediasector.com। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए है ना, www.99mediasector.com। इसको ओके करिए, देखिए लगा लगे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये होने में बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, तो मैं काम करूँगा, ये जो वीडियो है इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन मत कीजिए, इसको जब तक ये हो ना जाए तब तक ये क्लोज मत करना, इसको कंप्लीट होने देना। देखिए अभी एक पॉपअप आएगा, तो इसको सिर्फ यस कीजिए। देखिए इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्लिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अभी ये दिखा रहा है इंस्टॉल सक्सेसफुली, इसको टर्न ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी आप टर्न ऑन मत कीजिए, तो उसके बाद एक काम कीजिए, बैक हो जाइए, बैक के नीचे वाला जो ऑप्शन था जियोमी डिवाइस सर्विस टूल, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इसका भी पासवर्ड सेम है, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए www.99mediasector.com, इसको ओके कर लीजिए। इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। देखिए थोड़ा टाइम बाकी है, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए वाला जो है, ए वाला है आपका जो पीसी है, पीसी स्विच, उसको बोलते हैं MIPC स्विच। ठीक है, तो इसको हमें नहीं चाहिए, ये हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, तो हम अभी क्या करना है, ये डाटा केबल है, तो इसको आपको क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। ये देखिए कनेक्ट हो गया, अभी आपको सारा डिटेल्स दिखा रहा हूँ। हम लोग इसको डाउनलोड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो इसको इंस्टॉल करना है अभी। तो अब इसको कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं। सॉरी, MI टूल जहाँ पे आप रखे हैं उसको
इसको ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक करके रहने से एडमिनिस्ट्रेशन। ओके तो ऐसा करते ही ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको आप पहले रिकवरी डिवाइस में क्लिक करिए, ठीक है। देखिए जी हाँ, ये बहुत अच्छी तरीके से हो गया, इसके लिए आपको टेंशन नहीं है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रहा, इसको देखने का ज़रूरत है, लिस्ट ऑफ द डिवाइस अटैच्ड, इसको दिखाएगा प्रेस एनी की, इसको एनी की करते ही वो चला जाएगा। तो उसके बाद आपको जो करना है करिए, जैसे पैटर्न लॉक हुआ, पैटर्न लॉक इसको क्लोज करना है तो आपको पैटर्न लॉक में क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। पर जो डिवाइस है उसमें भी कुछ नहीं करना है, आप सारा पूरा वीडियो देखिए, हम बता देगा सब। देखिए अभी यहाँ पे लिखा है Xiaomi फोन पैटर्न पासवर्ड पिन रिमूव, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिया है पासवर्ड पिन आपका मोबाइल का रिमूव हो गया है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अभी आपको कोई प्रेस कीजिए आप कंप्यूटर में या आपका लैपटॉप में करते, ये देखिए हो गया ना। तो होने के बाद आपको करना क्या है, रिकवरी टू नॉर्मल मोड में क्लिक करना है, रिकवरी टू नॉर्मल मोड। देखिए एक कभी कभी यहाँ तक अटक जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है, पूरा आपको होने देना है। हो गया, अभी तक आपको आपका मोबाइल में कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ लेगा। यहाँ पे प्रेस नहीं की, आपका कंप्यूटर में प्रेस कीजिए, बस प्रेस कर लिया। अभी भी आपको आपका मोबाइल में कुछ नहीं करना है, जब तक आपका मोबाइल में कोई ऑप्शन ना आ जाए नया, तब तक आप कुछ नहीं करना है। आपका मोबाइल में जो डेटा केबल का सिंबल होता है उसको चेंज होके नया सिंबल में आएगा, ठीक है। हाँ तो इसके बाद का जो सेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी आपको सिलेक्ट कर, मैं इंडिया का हूँ तो इंडिया का सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट। ये हो गया, अभी चाहिए गूगल कीबोर्ड, इंडिया कीबोर्ड सिर्फ जैसा है ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट, अभी चाहिए वाईफाई नेटवर्क, स्किप भी कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं हम। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसको भी नेक्स्ट, इसको स्किप कर देते हैं। अभी अगर डू यू वांट हैव अ गूगल अकाउंट इफ यू यूज जीमेल और एब्सेंस, अभी तो मैं यस कर सकता हूँ, पर यहाँ पे नो करूँगा क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा मोबाइल सिम ठीक करना है। फिर नेक्स्ट, अभी डिसएग्री, चूज योर थीम, एग्री द प्रीवियस वर्जन ऑफ एंड्रॉइड यू टर्न ऑफ एक्सेस लोकेशन और गूगल एप्स टर्न ऑन बैक बट नाउ, अभी नहीं करूँगा, अभी फिर से नेक्स्ट। हो गया आपका मोबाइल सेटअप कंप्लीट, ये अब तक सेटअप हो गया, देखते हैं मेरे पैटर्न ने कितना मेहनत से जो किया। ऐप्स लोडिंग हो रहा है, अब ये देखिए आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियोस मैं आपको लाता देता रहूँगा। थैंक यू, प्लीज़ स्टे विद अस।